गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस के डिफरेंशिएबिलिटी के नेक्स्ट वीडियो के कल की जो हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको आगे बढ़ाते हुए कल डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने कहा था कि एक किसी भी फंक्शन के लिए जब अवकलनीय है तो आवश्यक रूप से क्षण तत्व होगा, नेसेसरीली दैट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। कब? जब वो अवकलनीय है तो वो क्षण तत्व होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन केवल क्षण तत्व है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट विल बी दैट डिफरेंशिएबल। तो क्षण तत्व हो ऐसा फंक्शन लेकिन अवकलनीय नहीं है। हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और x बिलोंग्स टू r कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट। ये कंटीन्यूअस है x फॉर ऑल x r के कुछ भी हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, हमेशा हमारा अवकलनीय होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंटिन्यूटी से, सांतत्यता से हम टेस्ट करके देखते हैं बाय गिवन फंक्शन f0 फ्रॉम गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड x। नाउ एट पॉइंट x इक्वल टू 0 दिस विल बी द जीरो और कंटिन्यू। दिस आप यहाँ पर पहले कंटिन्यू टेस्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू टेस्ट में हम बिंदु पर प्लग का मान, उसके LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों चीजें इक्वल होती हैं तो वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पॉइंट यहाँ पर तो हमें सभी बिंदुओं पर दिया गया है, हम यहाँ पर शून्य पर चेक कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है क्या। उसी बिंदु पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि क्या कंटिन्यूस फंक्शन x इक्वल टू 0 पर जो क्षण तत्व था क्या वह अवकलनीय है। यहाँ हम पाएंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी RHL निकालते हैं f0 पर से 0। लिमिट जो है एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 0 f(x) एंड देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(0) प्लस h। यहां पर आप एक्सटेंडिंग टू 0 लिमिट कंसीडर कर लेंगे एक्सचेंज की। इसमें जो वैल्यू है इसकी, इसका जो मान है वो आप यहाँ पर पुट अप करें। लिमिट एक्सटेंड टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू एक्सटेंड टू 0 इसकी वैल्यू हम 0 प्राप्त करते हैं। सिमिलरली 0 माइनस 0 लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस 0 एफएक्स लिमिट ascending to 0, 0 minus h and then limit ascending to 0 and 0 minus h. All these conditions we can say that f0 is equal to f0 plus 0, f0 minus 0. आपस में बराबर है। तो इट मीन्स गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस दिस पॉइंट x इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0।
डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसमें आपने एक आर एस पी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाली सबसे पहले, और राइट हैंड डेरिवेटिव के रूप में जो है एफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस जीरो. नाउ वैल्यू ऑफ एफ एक्स कैन पुट ऑन दिस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लिमिट चेंज इन एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ जी अपॉन जीरो प्लस एच माइनस सी पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो प्लस एच माइनस अपॉन पी एच वन राइट हैंड डेरिवेटिव के रूप में वन प्राप्त करते हैं. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट एल एच डी. So LSD and RSD are not equal. This given after pass already plus one. LSD given minus one. So both are not equal. So we can say that given function f x is equal to mod x is not differentiable at x equal to zero. यानी कि ये फंक्शन x के सभी मान के लिए संतत था लेकिन अवकलनीय नहीं है, ये इसमें सिद्ध करना था. इसी प्रकार से एक 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 और एग्जांपल लेते हैं. सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु x इक्वल टू जीरो पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है. x sine upon x x not equal to 0 and 0 when x equal to 0. सबसे पहले हम इसका कंटिन्यूटी की जो चेक है सेम ही एग्जांपल डिफरेंट कंटिन्यूटी की चेक कर रहे हैं. उसमें ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी सॉल्वड दिस एग्जांपल and we get at that time उस समय हमने इसको संतत पाया था, संतत हमने इसमें सिद्ध किया था. इसके बाद में अब हम इसमें सिद्ध करेंगे कि ये संतत है तो अवकलनीयता की एल एच डी और आर एच डी निकाल करके देखते हैं. तो एक आर एच डी के रूप में आप देखेंगे एफ एस जीरो प्लस जीरो लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो एक्स माइनस जीरो लिमिट एफ टेंडिंग टू जीरो प्लस जीरो एक्स x
साइन वन अपॉन एक्स माइनस जीरो पर एक्स जीरो का मान अपॉन एक्स, देन एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच माइनस जीरो, ये अब इस एच से एक एच जो है कैंसिल हो जाता है, एंड नाउ वी गेट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एच, इट मींस दिस वैल्यू इज लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन और सेल्स, इट मींस दिस वैल्यू आर एच डी इज डज नॉट एक्सिस्ट, इस सीमा का जो अस्तित्व है राइट हैंड डेरिवेटिव जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है एच के जीरो की ओर अग्रसर होने पर साइन इन्फिनिटी के रूप में कन्वर्ट होता है, वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ग्रहण नहीं करता है, किसी पर्टिकुलर मान को प्राप्त नहीं करता है। इसी प्रकार से हम इसका एल एच डी निकाल करके देखेंगे कि क्या एल एच डी वैसे तो कह रहा है कि किसी भी फंक्शन के लिए इतना ही सफिशिएंट है कि उसकी अवकलनीयता की टेस्ट के, यदि एक सीमा अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, विद्यमान नहीं है, कोई परिमित मान वह ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसकी सेकंड जो लिमिट है, सेकंड जो उसका डेरिवेटिव है, वो अगर एग्जिस्ट करता भी है और नहीं करता है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वह हमेशा ही जो है ये कहा जाएगा कि दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट वी हैव टू चेक जीरो माइनस जीरो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो f x minus f 0 upon x minus 0 and limit x tending to 0 minus 0 value to has the x sine 1 upon x minus 0 upon x minus 0. Now limit x tending to 0 0 minus h sine 1 upon 0 minus x upon 0 minus ये माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस का चेंज से वहां लगाएगा साइन वन अपॉन एच के रूप में प्राप्त होता है, एच टेंडिंग टू एच दिस इज इक्वल टू दिस आल्सो लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, यानी ये मान ही जो है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में दोलन करेगा, बाहर माइनस का चेंज होगा, किसी परिमित मान को या किसी पर्टिकुलर मान को ये कंसिडर नहीं कर पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। सो दिस फंक्शन आल्सो कंसिडर एनी पर्टिकुलर वैल्यू, सो आर एच डी इज आल्सो एल एच डी ही क्या नहीं है विद्यमान, जिस प्रकार से एल एच डी विद्यमान नहीं है आर एच डी भी विद्यमान है, जब दोनों ही डेरिवेटिव विद्यमान है तो यहाँ पर अवकलनीय भी नहीं होगा, दिस फंक्शन इज डज नॉट डिफरेंशिएबल। अब अवकलजों की जो बीजगणित है उसमें सिंपल से की जो कंसेप्ट है वो ये है कि यदि कोई दो फंक्शन ऑलरेडी एफ एक्स एंड जी एक्स इज टू फंक्शन वी हैव गिवन बोथ आर डिफरेंशिएबल, सो देयर एडिशन इज आल्सो डिफरेंशिएबल एंड देयर सब्सट्रैक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो डिफरेंशिएबल एंड देयर डिविजन is also differentiable when denominator is not equal to zero. यदि कोई दो फलन आपको दे रहे हैं f(x) और g(x) तो वो संतत होंगे, दोनों फलन अवकलनीय भी होंगे, तो उनका योग भी, उनका सब्सट्रैक्शन, उनका गुणा और उनका भाग भी इन फलनों का अवकलनीय होगा। भागने की कंडीशन होती है कि जिस क्वांटिटी का जैसे fx upon gx लिखते हैं तो उस समय gx अगर जिस gx का भाग होगा तो gx आपके पास gx की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि
या किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उस फंक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस स्थिति में भी वह डिफरेंशिएबल होगा। इसी प्रकार से एक इसका चेन रूल है प्लैंक का अवकलज, ये भी सिंपल सी इसमें थोड़ा है। ये रेंज ऑफ एफ इज डोमेन ऑफ जी एंड एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी, जी इज डेरिवेबल डेरिवेबल एट एफ सी, जी एफ सी पर अवकलज है, एफ श्रृंखला नियम के अंतर्गत आता है, इसे इस इंपॉर्टेंट इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन का अवकलज। यदि एक फलन एफ डी बिंदु एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय तथा इसके सामीप्य में एक एक है तो एफ का प्रतिलोम फलन जी भी एफ सी पर अवकलनीय है तथा जी डेस एफ सी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डेस सी वाई एफ डेस सी इज नॉट इक्वल टू जी। इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू सी एंड इज वन अपॉन ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी then the inverse function g of f f is also differentiable at fc and s since f dash c is not equal to 0 then by definition of differentiability of fc limit x tending to 0 0 plus x minus f 0 upon 0 plus x minus 0 when we take point f c c c plus h c c बिंदु पर हम अवकलनीयता की बात करते हैं। f dc is equal to limit x tending to 0 f c plus h minus f c upon c plus h minus c c c यहां पर कैंसिल हो जाता है, नीचे केवल h बचता है एंड 1 upon f dc इसको हम अपोजिट करेंगे, 1 upon f dc h पर चला जाए, f c plus h minus f c and also यहाँ पर आप c plus x minus c के अंतर्गत इसको पुट करें, h tending to 0 limit x tending to 0 g f c plus h g f c and then f c plus h minus f c देखिए कि एक फलन f बिंदु x = c पर अवकलनीय है, सारे के लिए एक ही है, f का प्रतिलोम फलन g f and g both are inverse function f and g both are inverse so f और g is equal to i, एक दूसरे के इन दोनों का जिससे मल्टीप्लाई करते हैं सेम फलन निकालते हैं कि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होने के कारण आप यहाँ पर पूरे इस फंक्शन पर जी ऑफ ऑपरेट कर रहे हैं, तो जी ऑफ ऑपरेट करने से एक तरह से आइडेंटिटी ऑपरेट कर रहे हैं, इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इस फंक्शन को, क्योंकि एफ एंड जी बहुत वैनिश ईच अदर, एक दूसरे से ये वैनिश हो जाते हैं, कट जाते हैं एंड वी गेट आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब है कि इस एफ सी सी प्लस एक्स पर भी हमने जी ऑफ फंक्शन के रूप में इस पर ऑपरेट किया है ऊपर, तो ये एक तरह से आइडेंटिटी ऑपरेट किया है, आइडेंटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दिस केस वी सी दैट क्योंकि फलन f है वो बिंदु x इक्वल टू c पर संतत और इसके प्रतिवेश में एक ही है, अतः
शिव के प्रतिवेश में अतिमर्स भी विद्यमान होगा। ये गिवन है हमें कि संतत और उसके प्रतिवेश में भी की है, तो शिव के प्रतिवेश नेबरहुड में अतिमर्स भी एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा। और जब एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो एफ सी प्लस एक्स जो है वो एफ सी केवल अग्रसर होगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो हमारी जो लिमिट है इसको हम इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स जीरो की ओर अग्रसर होता है वैसे वैसे एफ जो सी प्लस एच है वो एफ सी को ऑपरेट करें इसके पैरेलल। ये तो कहने का तात्पर्य है अगले में अगर हम इस लिमिट को भी हम टेकिंग एफ सी प्लस एच की इस केस एफ सी अगर प्राप्त करते हैं टेंडिंग करते हैं तो इस डेफिनेशन इज डिफाइंड एज ए डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी ऑफ एफ जूडेस एफ सी फंक्शन जो कि एक संयुक्त फलन के रूप में है एंड एफ एंड जी बहुत आर इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। सो इस से हमारा जो जी फंक्शन है ये डेरिवेटिव के रूप में प्राप्त होता है जी डेस एंड उसमें जो एक्स की जगह वैल्यू है वो एफ सी प्राप्त होता है जी डेस एफ सी की हमें इसमें प्राप्त करना है इसके इक्विवेलेंट वर्ब को एपेस सी के। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।